स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। अभी डाइजेशन में हमने देखा कि फूड का क्या होता है, एसिमिलेशन होता है ना। एसिमिलेशन जो फूड होता है, यानी एसिमिलेटेड फूड जो होता है, वो यूज होता है मेनली टू पर्पस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी, और सेकेंड इसका यूज किया जाता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब जो हमने पढ़ा कि एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी, उस एनर्जी का रिलीज होना, यानी फूड का एज अ फ्यूल बर्न होना और देन रिलीज द एनर्जी एंड यूज आर बॉडी। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपरली? वैसे तो आपने अभी तक पढ़ा है कि इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट स्मॉलेस्ट क्लासेस में हम लोग यही पढ़ते हैं कि ब्रीथिंग इज अ रेस्पिरेशन, बट दैट इज अ डिफरेंट। रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इन टू द सेल, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, एंड देन रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। मेरे ख्याल से रेस्पिरेशन क्लियर हुआ होगा कि ऐसा प्रोसेस रेस्पिरेशन में जिसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं और ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर जाती है, फूड से, है ना, फूड से, बर्निंग फूड इससे रिएक्ट करती है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन कंबशन में यूज होती है। तो अब उसके बाद फिर CO2 एंड वाटर रिमूव हो जाते हैं। अब हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं इसके प्रोसेस को, देखिए फूड, फूड यानी ग्लूकोज, क्लियर। इसने ऑक्सीजन, जैसा हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ली हमने रेस्पिरेशन के थ्रू, इन दोनों ने रिएक्शन किया और कहां गए, सेल में, दिस इज ए सेल, क्लियर। दोनों रिएक्ट करने के बाद सेल तक पहुंचते हैं, यहां पर दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, यानी फूड प्लस ओ टू यहां पर, और इन दोनों का क्या होगा, फूड का यहां पर ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद जो निकलेगा वो क्या होगा, CO2 एंड वाटर यानी H2O। और जो मेन चीज है वो क्या है, यहां पर निकलने वाली एनर्जी। क्लियर हुई मेरी बात कि क्या हुआ, कैसे हुआ? तो इसको हम एज अ रिएक्शंस के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर हम इसके रिएक्शन लिखेंगे रेस्पिरेशन की, तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसको बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए आप। अपोजिट मतलब C6H12O6 प्लस O2, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, क्लियर। और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। ये क्लियर हुआ रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जस्ट अपोजिट है ना ये रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है और ये बनता है, और रेस्पिरेशन में ये यूज होता है और ये बनता है, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी, जिसका यूज क्या करती है, हमारी बॉडी डिफरेंट वर्क्स में करती है। जो जो काम आपको करने होते हैं वो एनर्जी के थ्रू ही किए जा सकते हैं, क्लियर। यहां पर एक चीज आती है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या डिफरेंट है, तो यस दोनों ही डिफरेंट हैं, है ना। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, देखिए अगर आपको ध्यान हो तो ब्रीथिंग का काम क्या है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना। इसका मतलब ये सिर्फ ओनली फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन में आपने देखा होगा पूरी रिएक्शन होती है। फूड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है देन रिलीज द एनर्जी, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस हुआ, केमिकल। क्लियर। सेकेंड हम कह सकते हैं कि यहां पर
आपको पता हो एनर्जी रिलीज नहीं होती है ना, तो एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। बट इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं कि ये आउटसाइड द सेल होता है, सेल के अंदर इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को लेना, सिर्फ इतना काम इसका होता है। जबकि आपने देखा होगा रेस्पिरेशन में जो फूड और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं, उसके बाद ब्रेकडाउन होते हैं, ये दोनों ही काम कहाँ हो रहे हैं, सेल में हो रहे हैं। तो इसलिए ये कहाँ होता है, इट अकर्स आउटसाइड द सेल। क्लियर। जबकि वो कहां होता है, इनसाइड द सेल। क्लियर। चौथा हम देख सकते हैं तो इसमें एंजाइम्स रिक्वायर नहीं होते हैं। और इसमें एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। अब आपको समझ आया कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है कि थ्री पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड है वो हमारा बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो उसमें थ्री पाथवे हैं, यानी थ्री टाइप्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है पाइरूविक एसिड में। ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल होता है और ये टू मॉलिक्यूल होता है, क्लियर। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। अब पाइरूविक एसिड देखिए थ्री टाइप से किस तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है। पाइरूविक एसिड का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस ये रिएक्शन के थ्रू जो निकलता है प्रोडक्ट वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में 38 एटीपी ई फॉर एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है। पाइरूविक एसिड अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, पाइरूविक एसिड का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो ये प्रोसेस होता है ईस्ट में, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, दिस इज इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 2 ATP E फॉर एनर्जी, 2 ATP एनर्जी निकलती है। आप देखिए यहाँ पर एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ निकलती है, 38 ATP ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जो कि हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है, जो कहाँ स्टोर हो जाती है, जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे अगर आपको ध्यान हो 9th क्लास में आपने पढ़ा है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जब हमें जरूरत होती है तो यहाँ से हम इस एनर्जी का यूज कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही हो रही है तो ये कहाँ होती है, मसल्स टिश्यू में। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप भागते दौड़ते हैं, बहुत दिनों बाद भाग रहे हैं, तो आपकी जो सेल्स हैं उसमें क्रम्स आ जाते हैं, यानी उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कहाँ होती है, मसल्स टिश्यूज में, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन फॉर्म्ड हो जाता है, और साथ में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ही आपकी जो मसल्स हैं उनमें पेन होना शुरू होता है, क्लियर। और जब वहां पर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो आपका पेन भी बंद हो जाता है। मेरे ख्याल से तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी टाइप्स किस टाइप से रेस्पिरेशन के हो सकते हैं।
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में जैसे अभी हम बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस, टू टाइप्स से हो रहा था ना, तो यहां प्रेजेंस और एब्सेंस में अगर हम बात करें तो यहां टू टाइप्स की हम रिएक्शन ले सकते हैं। एक होता है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक होती है एनारोबिक। नाम से पता चल रहा होगा एरोबिक और एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यहां ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। क्लियर? अगर एनारोबिक रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, और एरोबिक हो रही है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर अभी हमने जो तीनों पाथवे देखे थे उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पर जो फूड है उसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन, जबकि अगर उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता तो वहां पर भी 38 एटीपी एनर्जी बनती, लेकिन यहां पर फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता बल्कि पार्शली होता है। समझ आया? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि थर्ड पॉइंट में ले सकते हैं एंड प्रोडक्ट। अगर आपको ध्यान हो जब फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो वहां पर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना था, तो यहां एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, CO2 एंड H2O। अब ऐसे ही आपने अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन का ध्यान हो तो वहां पर जो एंड प्रोडक्ट बना था वो क्या था, क्या था, इथाइल अल्कोहल। क्लियर? उसके अलावा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में हम ले सकते हैं जब इसका फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हुआ तो इसमें एनर्जी रिलीज हुई, और आपने देखा था कि इसमें 38 एटीपी एनर्जी, क्या होती है, रिलीज होती है, जबकि यहां पर क्या होती है, ओनली 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। मेरे ख्याल से चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि एरोबिक यानी हमें टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टू टाइप्स की हमने देख ली, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंट में, फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन तो यहां पर पार्शली ब्रेकडाउन, इसके बाद एंड प्रोडक्ट यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलते हैं, जबकि यहां पर एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड निकलता है, 38 एटीपी एनर्जी यहां पर बनती है और यहां पर 2 एटीपी एनर्जी ही केवल बनती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन प्लांट में देखिए, प्लांट्स के आपको अगर पता हो तो पार्ट्स होते हैं रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, है ना, तो इनमें भी रेस्पिरेशन सेम टाइप होता है जैसे कि ऑर्गेनिज्म में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की। रूट में अगर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा हो तो ये लंबा सा जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज ए रूट हेयर, देन दिस इज ए रूट। रूट में से जो अगर पतली पतली रूट्स हेयर निकल निकल के कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के बीच में घुस जाते हैं, दिस इज सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में रूट हेयर्स चले जाते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एयर स्पेस। एक्चुअली रूट हेयर होता क्या है, द रूट्स ऑफ अ प्लांट हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर ऑन देम। जो हेयर
टाइप स्ट्रक्चर रूट्स के ऊपर पाई जाती है, ब्रांचेस के ऊपर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या होते हैं, जहां पर एयर प्रेजेंट होती है उनके बीच में चले जाते हैं। एक्चुअली एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, तो रूट हेयर्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स। इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है उनके कॉन्टेक्ट में कौन आ रहा है, रूट हेयर्स। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू द रूट हेयर, जो इनके बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो कहाँ चल जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चल जाती है, इसके अंदर, रूट हेयर्स के अंदर। और ये उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं किसके रूप में, रेस्पिरेशन के रूप में। देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड गोज आउट थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी ऑक्सीजन को भी डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर निकालना, इस तरह से रूट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। नेक्स्ट है स्टेम। टू टाइप्स का स्टेम होता है, एक होता है हर्बेशियस और एक होता है वुडी स्टेम। हर्बेशियस मतलब जो छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन कलर का स्टेम होता है ना, और ये देखा होगा आपने वुडी स्टेम जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे नीम पीपल, इनमें तो इनकी जो स्टेम होती है बहुत मोटी होती है, उनमें बार्क प्रेजेंट होती है, दैट इज ए वुडी स्टेम। क्लियर। इन वुडी स्टेम में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लेंटिकल्स के थ्रू। और जो हर्बेशियस यानी ग्रीन कलर के स्टेम्स होते हैं उनमें किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा अगर आपको ध्यान हो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोमेटा, ये स्टोमेटा होते हैं, दिस इज ए स्टोमेटा। क्लियर। और ये जो होती है ये क्या कहलाती है, गार्ड सेल्स। इनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हार्ड और जो वुडी स्टेम होता है, दैट इज ए वुडी स्टेम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर से, ये वुडी स्टेम होता है। और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये इसके अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है जो देखा होगा येलोइश, कई बार पेड़ जब काटते हैं तो आपको स्टेम दिखाई दिया होगा, अंदर येलोइश से कलर का दिखाई देता है, जबकि बाहर आउटर लेयर जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, डेड सेल्स होती हैं वो, तो वो इनर लिविंग सेल्स होती हैं। और इनके बीच में जो ये स्पोर्स पाए जाते हैं, दैट इज ए लेंटिकल्स। क्लियर। तो द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग प्लांट्स एंड ट्रीज हैव लेंटिकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। क्लियर हुई। लेंटिकल्स होते क्या, टाइनी ओपनिंग ऑन द बार्क वेयर द सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेस अलोंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर हुआ। किस तरह से स्टेम में टू टाइप्स से, वुडी स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू एंड हर्बेशियस में स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट आती है लीव्स। लीव्स में एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा आपने पहले भी पढ़ा है, जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है उसमें टू गार्ड सेल्स होती हैं, ये स्टोमेटा है, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल है ना, और ये जो साइड में दिखाई दे रही है दिस इज एपिडर्मल सेल। एक्चुअली स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव। और कहाँ पाई जाती है, लोवेस्ट पार्ट, जो ब्लो वाला पार्ट होता है एपिडर्मल, उसमें प्रेजेंट होता है ये। और इसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। क्लियर। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज अ नाइट, बिकॉज फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कब होता है, केवल ही ओनली डे टाइम पर होता है। तो इस जो नेट गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर हो रहा है, ओनली सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। एक्चुअली लीव में ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। क्लियर। कि इट मीन जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो लीव्स आर सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर उस समय लीव्स होती हैं इसको किसके यूज में ले लेती हैं, रेस्पिरेशन के यूज में, एंड कुछ ऑक्सीजन को रेस्ट के लिए रख देती हैं, जो डिफ्यूजेस आउट इनटू एयर, जो डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चली जाती है, एयर में चली जाती है। अगेन ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लिया जाता है, तो क्योंकि उसको खाना प्रिपेयर करना होता है, यानी फूड मेकिंग करनी होती है। तो उस समय जो द नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स ड्यूरिंग डे टाइम इज ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन। क्लियर।
क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है और बनी हुई ऑक्सीजन को बाहर डिफ्यूज कर दिया जाता है। सेम एट नाइट टाइम, अब नाइट में क्या होता है, वेन नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो अकर एंड हैंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट इनटू एयर। द नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स एट नाइट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। इसलिए कहा जाता है रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, सुना होगा कई बार, क्योंकि उस समय जो पेड़ होते हैं यानी प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालते हैं, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। तो रेस्पिरेशन एनिमल में जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये बात आपको सबको पता है कि एनिमल डिफरेंट है तो रेस्पिरेशन मोड्स भी डिफरेंट ही होंगे, तो उनमें ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे किसी में स्किन के थ्रू होता है, किसी में गिल्स के थ्रू होता है, किसी में लंग्स के थ्रू होता है, किसी में ट्रैकिया के थ्रू होता है, एक्सेट्रा। लेकिन ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, चाहे वो स्किन हो, गिल्स हो, लंग्स हो, एक्सेट्रा, हैव थ्री कॉमन फीचर, तीनों में कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन, क्लियर, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सके। सेकेंड, दे हैव थिन वॉल्स, सब में पतली वॉल पाई जाती है जिससे कि वो इजी वे में डिफ्यूजन एंड जो आपकी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनको एक्सचेंज कर सकें। और थर्ड पॉइंट है, दे हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपिरेटिंग गैसेज, क्लियर। तो तीन कॉमन फीचर्स एनिमल्स में रेस्पेक्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं कॉमनली। एक चीज और मेन है कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है इन एक्वेटिक एनिमल इन मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो ब्रीथिंग रेट एक्वेटिक एनिमल की तेज होती है, बट टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन या लैंड पर रहते हैं उन एनिमल्स की रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रेट जो है कम होती है अकॉर्डिंग टू एक्वेटिक एनिमल की। अब हम जनरल वे में अगर एनिमल्स, कॉमन एनिमल्स देखें कि कौन, जैसे कि रेस्पिरेशन लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनमें रेस्पिरेशन देखें तो इतना हाई लेवल का नहीं पाया जाता जितना कि ह्यूमन बींग में पाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोअर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं अमीबा की। अमीबा, अगर आपको पता हो, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लियर, और इसमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो किसके थ्रू होता है, उसका जो प्रोसेस है वो होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बिकॉज जो ये अमीबा होता है बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते रेस्पिरेशन के लिए, क्लियर। अब बात करते हैं इंसेक्ट की, तो क्या इंसेक्ट में पर्टिकुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में जैसे कि ग्रास होपर है, कॉकरोच है, ये इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पर्टिकुलर नहीं होता है, क्लियर, इनमें सिर्फ ओनली नेटवर्क होता है थिन एयर ट्यूब्स का, क्लियर, दे कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स, उनको क्या कहा जाता है, कॉल्ड ट्रैकी। ट्रैकी, ये ट्रैकी स्प्रेड रहते हैं इनटू द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं ये इस साइज से, और ये ट्यूब्स पूरी होल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और दीज एयर ट्यूब्स हैव टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स, इनके जो होल्स होते हैं, जो लास्ट में पतले पतले होल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। स्पाइकल्स ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी, पूरी बॉडी पर ये प्रेजेंट होते हैं, अगर मान ले कॉकरोच की बॉडी इस टाइप की है तो ये प्रेजेंट होंगे इस तरह से यहां पर, क्लियर।
इन्हें क्या कहा जा रहा है, स्पाइकल्स कहा जाता है, और ये ऑक्सीजन रिच होते हैं. ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइकल्स एंड एयर नाउ गोज इनटू द ट्रैकी, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रिच एवरी सेल ऑफ द बॉडी. स्पाइकल्स कहाँ पहुंचाते हैं, ट्रैकी में. ट्रैकी से ये जो ट्यूब्स होते हैं उनको कहा जाता है पोर्स को हम स्पाइकल्स कह रहे हैं. इनसे एयर जो होती है ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है उसको ये टेक करता है एंड देन कहाँ पहुंचाता है, ट्रैकी में. और ये डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पहुंचा देता है, सेल्स में. ये सेल्स के अंदर पहुंचा देता है जहां पर पूरी तरह प्रॉपर रेस्पिरेशन होता है. ऑक्सीजन यूज टू ब्रेक डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. क्लियर. और अगेन इसी तरह इसी प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. नेक्स्ट आता है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म क्या होता है, अर्थवॉर्म भी इतना विकसित ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये भी लोअर ऑर्गेनिज्म ही होता है. अर्थवॉर्म सबने देखा हुआ है, अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म अगर इसकी देखो तो उसकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, सिलेंड्रिकल है ना, और उसमें सेगमेंट्स होते हैं. ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में. तो अर्थवॉर्म जो रेस्पिरेशन करता है वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है. मॉइस्ट स्किन रहती है इसकी, आपने देखा भी होगा कि मॉइस्ट प्लेसेस पे ही पाया जाता है अर्थवॉर्म. तो सिर्फ ऑनली किसके थ्रू करता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है रेस्पिरेशन. नेक्स्ट आता है फ्रॉग. फ्रॉग में रेस्पिरेशन ये भी लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, ये दोनों जगह पाया जाता है, यानी लैंड पे भी और वाटर में भी. तो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड. इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन. क्लियर. नेक्स्ट आता है फिश. फिश आपको पता है कहाँ पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है. तो दे हैव अ गिल्स और ये बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. गिल्स जो है इसके बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनके थ्रू रेस्पिरेशन करती है. ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर थ्रू द माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स. एक्चुअली अगर आप फिश की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इसकी, और यहाँ पर इसके गिल्स होते हैं. ये इसके गिल्स होते हैं और जब पानी आता है तो इनके ऊपर आता है, गिल्स के ऊपर पानी ऐसे बहकर चलता है. तो माउथ एंड सेंडिंग ओवर द गिल्स, गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. इनके पास ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजोल्व ऑक्सीजन. ये क्या करती है, उसको ऑक्सीजन को डिजोल्व कर लेती है फ्रॉम दिस वाटर एंड सेंड इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पूरी बॉडी में पहुंचा देती है ब्लड वेसल्स. इस तरह से फिश में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. अब हम मेन पार्ट्स रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, किसमें बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन बींग. क्लियर. आपको यहां पर एक डायग्राम शो हो रखा है. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन के पार्ट हैं है ना, वो क्या है, लंग्स है. यानी ऑर्गन सिस्टम जो है इसमें प्रॉपर तरीके से ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है. क्लियर. तो ये पूरा का पूरा अगर ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए नोज, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, लंग्स में. और प्रोसेस भी इसी तरीके से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल नोज में एयर आती है, यानी ऑक्सीजन ब्रीथ नोज के थ्रू होता है, नोज से नेजल कैविटी में, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई. ये सारा प्रोसेस लंग्स में हो रहा है. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इन टू आर बॉडी थ्रू द नॉस्टिल्स. नॉस्टिल प्रेजेंट इन आर नोज. नोज में जो दो होल्स पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड नॉस्टिल. ये नॉस्टिल कहलाते हैं. क्लियर. और ये इसके थ्रू जो एयर है वो कहाँ चली जाती है, नेजल कैविटी में. क्लियर. नेजल कैविटी में जाने के बाद रीजन क्या होता है, नेजल कैविटी इससे कनेक्ट रहती है नोज से,
और नेजल कैविटी में एयर पहुंचने के बाद वहां पर अगर आपको पता हो नेजल पैसेज में लाइंड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस, हमारी नेजल कैविटी में हेयर और म्यूकस चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है. क्लियर? व्हेन एयर पासेस थ्रू द नेजल पैसेज द डस्ट पार्टिकल एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट आर ट्रैप्ड बाय नेजल हेयर एंड म्यूकस सो दैट क्लीन एयर गोज इन टू द लंग्स. क्लियर हुई लाइन? कि जब नोस्टल से या नोज से जब हम एयर को लेते हैं तो नेजल कैविटी में जाता है, यहाँ पर हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. एयर के साथ अगर कोई इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर तो वो इस नेजल कैविटी के द्वारा ही रोक लिए जाते हैं ताकि जो जाने वाली एयर है अंदर लंग्स के अंदर वो क्या हो, क्लीन हो जाए. क्लियर? एक तरह से छलनी की तरह काम कर रहे हैं हेयर्स हमारे. क्लियर? देन अब जो एयर है वो कहाँ जाएगी, यहाँ से नेजल पैसेज से लंग्स की तरफ जाएगी. तो द पार्ट ऑफ थॉट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फैरिंग्स. हम यहाँ पर जो हमारा माउथ पार्ट और नेजल कैविटी के बीच का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, फैरिंग्स कहते हैं. यानी दिस वन इज अ फैरिंग्स, ये पार्ट हमारा फैरिंग्स होता है. क्लियर? अब फैरिंग्स का काम क्या होता है, फ्रॉम द नेजल पैसेज एयर एंटर्स इन टू द फैरिंग्स एंड देन गोज इन टू द विंड पाइप. अगर गलती से भी इस तरफ आ जाती है तो वो कहाँ पहुंचा देता है उसको, इसमें ट्रैकिया में यानी विंड पाइप में. अब ट्रैकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली नॉन इज अ विंड पाइप. हम जनरली हिंदी में से क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं. और वैसे ये क्या होती है, ट्रैकिया होती है. क्लियर? द एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्टिल, यहाँ से एयर आई और आकर कहाँ पहुंची, इसके पास यानी विंड पाइप में पहुंची. उसके बाद ट्रैकिया डज नॉट कॉलेक्स इवन वैन देर इज नो एयर इट इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज. जो ये आपको रिंग्स दिखाई दे रही है ये एक्चुअली कार्टिलेज का होता है. ये तो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है. अगर आपको देखा हो जैसे एज इट इज हम ये समझ सकते हैं इसको कि जो ड्रेन पाइप नहीं होते हैं सिंक वगैरह में ड्रेन पाइप लगे रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें कॉलेप्स पाए जाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करके खुल जाता है पूरा, इस तरह से ये भी खुल जाता है. क्लियर? उसके बाद द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स. ये देखिए आपको लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स नजर आ रहा है ना, वॉइस बॉक्स इसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स भी कहते हैं. और ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. ये देखिए टू पार्ट्स में नजर आ रहा है आपको, सिमिलर ट्यूब्स. इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कह रहे हैं दोनों को. देखिए ये वाली और ये वाली, और एक ब्रोंकाई एक लंग्स में और दूसरी ब्रोंकाई दूसरे लंग्स में जाती है. क्लियर? एट द लोअर एंड, अब इसका जो ब्रोंकाई यहां से क्या हो जाती है, टू पार्ट्स में कनेक्ट मतलब डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है लंग्स के अंदर जाकर. और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स. ये देखिए क्लियर, ये कहलाते हैं ब्रोंकियोल्स. जो हमारे टू लंग्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर लाई इन द चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी. चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में ये प्रेजेंट हो, थोरेसिक मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? उसके बाद इन ये एब्डोमिनल कैविटी से, जो एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाला हिस्सा, तो एब्डोमिनल कैविटी से ये लंग्स सेपरेट रहते हैं किसके थ्रू, डायफ्राम के थ्रू. मेरे ख्याल से यहाँ तक ये पोर्शन समझ आया कि क्या होता है क्या नहीं होता है. अब ईच ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू लंग्स इन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर्स जिसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं. क्लियर? द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल हैव टाइनी एयर सैक्स इन देयर एंड्स. आपको दिखाई दे रहे होंगे सब, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनके जो होल लास्ट एंडिंग होती है वो फूल जाती है, फूली हुई है, जिसे हम कहते हैं एल्वोलाई कहते हैं या एयर सैक्स कहते हैं. क्लियर? द पोच लाइक एयर सैक्स जो होते हैं, पोच लाइक है मतलब थोड़े से फूले में, एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स आर कॉल्ड एल्वोलाई. और द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज. ये जो एल्वोलाई होती है बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज से क्या रहती है, सराउंडेड रहती है. क्लियर? इट इज इन द एल्वोलाई दैट ऑक्सीजन इज टेकन इन टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेट इन अदर सेल्स. यानी कि ये इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को गेन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना बॉडी से. क्लियर? तो
इट इज इन द एनालाइज दैट गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग. क्लियर कि इसका काम क्या है गैसेस का. सुनी नहीं रही. द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वोलाई इन द लंग्स प्रोवाइड अ वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्लियर. और इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमम द एक्शन ऑफ गैसेस. फॉर एग्जाम्पल जो ऑल एल्वोलाइज फ्रॉम द टू ह्यूमन लंग्स आर अनफोल्डेड दे वुड गिव एन एरिया ऑफ अबाउट 80 स्क्वायर मीटर. इट मीन्स कि इतना ज़्यादा लार्ज एरिया ये प्रोवाइड कराती है एक्शन ऑफ गैसेस के लिए. सेकेंड चीज कि यहाँ पर डायफ्राम इज अ शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स. इसका काम क्या होता है ये ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट यानी ऑक्सीजन को लेना ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इसमें ये क्या करता है हेल्प करता है. और एल्वोलाई के चारों जो सराउंडेड होती है ब्लड कैपिलरीज ये क्या करती हैं ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और ब्लड में छोड़ देती हैं. जैसे ब्लड में छोड़ती है ब्लड में ऑलरेडी एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को. कौन ब्लड. क्लियर. और इस ये जिस प्रोसेस से करता है वो प्रोसेस क्या होता है डिफ्यूजन. सेम एज इट इज ही कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन टू द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज की कर दी जाती है ब्लड में और वापस लंग्स के थ्रू कहाँ निकल जाती है एलिमिनेट कर जाती है नॉस्ट्रिल के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी. मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम बात करेंगे कि कैसे अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कैसे व्हाट मेक अस ब्रीथ हम कैसे मतलब ब्रीथ कर सकते हैं कैसे होता है प्रोसेसर. तो ब्रीथिंग टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब एंड डायफ्राम. जो डायफ्राम और रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है ना ये मसल्स जो होती हैं ये कैसे रेस्पिरेशन करती है. तो हम दो प्रोसेस होते हैं हमारे एक तो ऑक्सीजन को लेना और एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में क्या होगा कि द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब ऐसे 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 होती रहेंगी. और दूसरी बात होगी कि डायफ्राम कॉन्टैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड और जो डायफ्राम होता है वो कहाँ चला जाता है नीचे की तरफ चला जाता है. अब जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और ये अपर जाएंगे मसल्स तो यहाँ पर स्पेस मिल जाता है इसको. जब ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो इसको काफ़ी एरिया मिल जाता है क्या करने के लिए मतलब स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी काफ़ी लार्ज हो जाती है जिससे कि एयर इसमें फिल हो सके. क्लियर. लेकिन ड्यूरिंग ऑफ एक्सेलेशन में क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट होता है द रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स. अभी क्या हो जाती है डाउनवर्ड हो जाती है और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है और वापस अपनी स्थिति पे आ जाता है अपनी एक्चुअल पोजिशन पर आ जाता है. जैसे ही अपनी एक्चुअल पोजिशन पर आएगा तो चेस्ट कैविटी का जो लार्ज सरफेस एरिया था वो क्या हो जाता है कम हो जाता है जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है बाहर की ओर. क्लियर. और इस तरह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू हमारी जो ऑक्सीजन लेना और देना दोनों प्रोसेस यानी ब्रीथिंग हमारी चलती रहती है. क्लियर हुई ये दोनों प्रोसेस क्लियर हुआ मैकेनिज्म कैसे होता है ब्रीथिंग का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग. तो रेट ऑफ ब्रीथिंग द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट 15-18 टाइम्स पर मिनट. एक एवरेज ब्रीथिंग जो हमारे रेस्ट कंडीशन में होती है रेस्ट मतलब आरामदायक स्थिति में जब हम कुछ भाग दौड़ नहीं कर रहे कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे. लेकिन जब हम फिजिकल एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे होते हैं या कहीं बहुत तेजी तेजी से चल रहे होते हैं तो उस समय आपने देखा होगा रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज होने का मतलब होगा कि उस समय आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है और आप तेजी से सांस लेते हैं बहुत तेजी तेजी से सांस लेते हैं. क्लियर. तो उस समय रेट ऑफ ब्रीथिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है. सेकेंड चीज आती है कि जो हमारा ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन इज फ्रॉम 12-18 ग्राम पर डेसीलीटर. इतना होता है. अगर इसमें कुछ हीमोग्लोबिन की कमी या ज्यादा हो जाती तो आपने देखा होगा कि आपको प्रॉपर सांस लेने में तकलीफ होती है ना आप जल्दी थक जाते हैं लंबी लंबी सांसें लेते हैं इस तरह की डिफिकल्टी हो जाती है. तो इस यानी डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड
of a person reduce the oxygen carrying capacity of blood, resulting breathing problem, tiredness and lack of energy. Clear? कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण आप में ऑक्सीजन कैरिंग की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है, इसके कारण आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, टायर्डनेस एंड जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है और आपको प्रॉब्लम हो जाती है. क्लियर? एक टॉपिक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड. जब आप मतलब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बंद कमरों में जब कोई चीज जलाई जाती है, फ्यूल जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहां पर जो सप्लाई ऑक्सीजन की है वो खत्म हो जाती है, कट हो जाती है. जितनी ऑक्सीजन थी वो तो बर्निंग में काम आ गई, और बची कुची जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से जब तक आपका जो भी फ्यूल जल रहा है उसमें कंबशन में काम आ जाती है. जब वो खत्म हो जाती है तो वहां पर अब क्या बनना शुरू हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है. और जब आप इसको रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं तो इट इज ए हाईली पॉइजनस गैस होती है. जब ये सप्लाई होती है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या हो जाता है, हमें डेथ तक हमारी हो जाती है. आपने सुना भी हो कई बार कि सर्दियों में बंद कमरों में जब कुछ भी जलाया जाता है तो कई घटनाएं एक्सीडेंटल सुनी होंगी आपने, तो ये किसके कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने के कारण होता है. क्लियर?